हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप कवर पेज आपने कवर पेज देखा है तो हमने जो क्रिएट किया है वह यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पे कवर पेज क्रिएट करने के लिए देखिए हम यहाँ पे करते हैं क्लासमेट का एक कवर पेज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पेज लेआउट में जाकर पेज को कलर को हमने इस तरीके से येलो कर लिया। येलो में भी हम थोड़ा हल्का लेते हैं, क्लासमेट के जैसा कॉपी रहता उस टाइप का। ठीक है, हमने हल्का येलो लेकर के हमने ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है कि इस तरीके से कुछ शेप को ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शेप के अंदर में फ्री फ्रॉम, यहाँ पर क्लिक करना है और माउस से इस प्रकार से एक बार क्लिक कर देना है। आपको प्लस पॉइंट देखना है, ध्यान रखना है प्लस पॉइंट रहेगा तभी आपको क्लिक होगा। ठीक है ना, मैं एक बार क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको जाकर के एक बार क्लिक करने हैं इस तरीकों से, कोना कोनी आप क्लिक करके इस तरीकों से आपको क्लिक करना है और जहां से आपने शुरू किया था वहां पर एक बार क्लिक करके आपको इसको मिला देना है। जैसे आप क्लिक करके मिलाएंगे तो एक इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहां पर हमको राइट क्लिक करना है और एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव ए बन जाएगा और आप अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो देखिये जैसे ही आप कोना पर जाएंगे, आपको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देना चाहते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कोना पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ पॉइंटर इस प्रकार से बन जाती है। अब आप थोड़ा सा अगर ऊपर करना चाहें तो आप इसे ऊपर कर सकते हैं, और यदि मान कर चलते हैं कि थोड़ा कॉर्नर पॉइंट से हम इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं राइट क्लिक और यहाँ पर ले लेते हैं कॉर्नर पॉइंट। जैसे कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें हैंडल मिल जाता है, ये हैंडल है और इस हैंडल को पर ले जाना है माउस पॉइंटर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, माउस पॉइंटर ले जाएगा ऐसा बन जाएगा। अब माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, छोड़ा नहीं है, प्रेस करके यानी क्लिक करके रखना है और इस प्रकार से उठाइएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से उठाना है आपको, जैसे भी करना है आप इस प्रकार से कीजिएगा। आपको कैसे करना है आपको खुद देख लेना है कि कितना पर हमको रखना है। जैसे हमने इस प्रकार से रखा, ठीक है, इसके बाद इस पॉइंटर को हमने कर देते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से उठा करके हमने ऐसे कर दिया इसको ऊपर की ओर। ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको अब ऊपर ले जा करके रखेंगे। और ये अगर ये उलट गई है तो आप इसको अगर मान कर चलते, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे उल्टा हो जाता है तो घबराए नहीं, इसको आप जा करके रोटेट भी जा करके ना आप इसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे घुमाएंगे तो जिस मोड में आप इसे घुमाना चाहें बिल्कुल इस मोड में आप घुमा सकते हैं। ठीक है, हमने इस प्रकार से किया तो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल होती है, वापस से करेंगे तो ये फ्लिप हमारा वर्टिकल हो जाएगा। तो अगर आप दो बार इस प्रकार से क्लिक करेंगे ना फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तो इस प्रकार से आ जाएगा। वापस हमने पेज को नॉर्मल किया। अब इस पेज में जो कलर आ गई है व्हाइट, तो हमने एक बार इस पर क्लिक किया, शेप फिल में जाकर हमने कर दिया नो फिल। ठीक है, नो फिल करने से क्या होगा कि हमारे इसके अंदर में कलर आ गई है। अब इसके बाद हम एक बार और इसे कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, हम इसको करना है सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी और वापस से हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे डबल आ जाएंगे। तो नीचे में जो कलर है इसको हम कुछ कलर यहाँ पे इस तरीके से दे देते हैं। ठीक है, ये जो कलर है यहाँ पर कुछ हल्का सा इस प्रकार से हमारा कलर होगा। ठीक है, हल्का सा जो भी एक कलर होगी डार्क टाइप का तो हम इसको दे देते हैं। तो मोर कलर पर थोड़ा सा एक और चेक कर लेते हैं कोई ऐसा कलर, तो देखिए इस प्रकार का रहता है, हमने ओके कर दिया। अब इसको करना कहा कि पीछे भेजना है, पीछे भेजने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सेंड बैकवर्ड, यानी एक पीछे हमको भेजना, सेट हमने बैकवर्ड कर लिया इस प्रकार से। और ऊपर जो कलर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में हम येलो कलर को फिल करेंगे। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हमको फिल करना है येलो कलर का। ठीक है, सबसे पहले तो ये बाहर हम क्लिक करेंगे और ऊपर वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन पर ये आपको ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। देखिए तो हमने मेरा ए ऊपर का है। ठीक है, तो हमने ऊपर में ऐसे सेलेक्ट किया। ठीक है, और अंदर में हमने ए बना लिया। अब इसको कर्सर कंट्रोल की जो कीबोर्ड में होता है इसकी सहायता से ना आप इसको आगे पीछे करके ऐसे अरेंज करें। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करें तो कुछ इस प्रकार से आपको डबल टैप का लगेगा। अब यहाँ पर जो आउटलाइन होती है तो सेप आउटलाइन में जा करके इसको नो आउटलाइन कर लेना है। ठीक है, अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी यहाँ पर अपने दोनों को कर लेना है आउटलाइन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब करना क्या है कि एक हमें लेना है इस प्रकार से बॉक्सेस। ठीक है, हमने एक प्रकार से यहाँ पर हमने ले लिया, एक टेक्स्ट बुक्स ले लीजिए, रेक्टेंगल बॉक्स ले लीजिए, कोई भी एक बॉक्स ले लेना है। और क्लासमेट के कॉपी में देखिएगा तो किस इस प्रकार से जो है आपका रहता है। और इसकी जो कलर हमको करना है लाइन पे इस प्रकार से रखना है हमें
हल्का सा ऊपर ही रखना, ज्यादा नहीं रखना है। चलिए इस प्रकार से हमको हल्का सा थोड़ा सा और कर लेते हैं साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कर लेना है कलर को सेफ फील्ड में जाकर ब्लैक, हमने ब्लैक कर लिया। अब यहाँ पर हमको लिखना है क्लासमेट, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेना है और यहाँ पे आप आराम से लिख लीजिए क्लासमेट, हमने किया CLA क्लासमेट। प्रथम हम कर देते हैं बड़ा और बाकी सब कर लेते हैं छोटा, CLA क्लासमेट, ठीक है, जो पहले कॉपी आती थी। अब यहाँ पे देखिए कई सारे आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको इसमें बहुत सारा स्टाइल मिलता है, तो होम टैब में जा करके आप यहाँ पे स्टाइल चुन लें और जो भी आपको स्टाइल लगे आप यहाँ से चुन लीजिएगा। हम यहाँ पर हम भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं स्टाइल, ठीक है, इस प्रकार से कुछ स्टाइल मिल जाती है आपको, बहुत सारे स्टाइल मिल जाएगी, तो आप भी अपना देख करके सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको रखते हैं, ठीक है, ये ठीक लगेगा नहीं, इसको रख लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो भी पसंद है आप यहाँ रख लेना है, हमने क्लासमेट कर दिया। इसके बाद इसका जो कलर होता है हमको इसको रखना व्हाइट, व्हाइट रख लेना है। और इसको देखिए यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिए, पहले इसको छोटा कर लीजिए बॉक्स को आराम से। अब इस पर क्लिक करके आप इसको बॉक्स को इसके ऊपर लाइए, ठीक है, और फॉर्मेट टैब पर जाकर आपको करना क्या है कि सेव फील करना, नो फील, सेव फील को नो फील याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे बाबू कि आप कंट्रोल जेड करके हम फिर से एक बार रिपीट कर देना, ठीक है। जैसे मानकर चलते हैं ये हमने बॉक्स लिया, चेकबॉक्स लिया। अब इस चेकबॉक्स का कलर फॉर्मेट पर जाकर सेव फील्ड में जाकर आपको करना नो फील, नो फील करना है। और इसके बाद इसको आप उठा करके आप रख दीजिए, जब आप यहाँ पे लाइन पे ले जाइएगा कर्सर, तो आपको देख पा रहे हैं लाइन पे ले जाने के बाद आपको कुछ 400 से बन जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करके अब हमको कर्सर कंट्रोल की मदद से हम इस प्रकार से इसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। चल हमने इस प्रकार से अरेंज कर लिया, थोड़ा बहुत लगता है कि अगर हमें और बड़ा करना चाहिए तो आप हल्का फुल्का इस तरह से आप इसको बड़ा कर लीजिए। इसके बाद हमें जो आउटलाइन दिख रही है आउटलाइन को करना है सेफ आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्लासमेट को भी लिख लिए हैं। अब यहाँ पे एक ड्रॉइंग से हमको ऐड कराना है, तो देखिए हमने इस प्रकार से क्लासमेट को लिख लिया। अब एक यहाँ पर हम सेफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमने पेंट में एक शेप बनाया था, तो इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में चलते हैं और एक शेप हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने इसका भी वीडियो आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसका जो पिक्चर्स है हम यहाँ पर ले लेते हैं, डेस्कटॉप पर हमने इसकी पिक्चर भी रखी थी, ये देखिए हमने पिक्चर रखा था, इंसर्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। आपके पास भी जो भी पिक्चर्स होगी आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए बच्चों चीज़ और बताना चाहते हैं कि जब हम अपने पास यहाँ पर जब बनाएंगे, अब यहाँ पर आपके पास भी आपने जो भी पिक्चर आप क्रिएट करेंगे, तो हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, इस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं वापस लाने के लिए। देखिए कि जब आप पिक्चर लेंगे तो फॉर्मेट में जाकर के आपको टेक्स्ट टाइप करना, स्क्वायर इंफ्रंट करना पड़ेगा या तो स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने सिस्टम के अंदर ना सेटिंग कर रखा है। इसलिए जब हम कोई पिक्चर लाते हैं तो हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर नहीं जाते हैं, लेकिन आपको बच्चों जाना पड़ेगा, आप वहाँ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इस प्रकार से इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है, थोड़ा सा पीछे लाइएगा, उसके बाद ऊपर ले जाएगा, तो धीरे धीरे करके एडजस्ट करेंगे। देखिए तो इसको एमएस वर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर आप इसको बना सकते हैं, हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है और इसको करना है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारा पीछे चला जाएगा और इसको हम थोड़ा बहुत और नीचे की ओर इस तरह से लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको पिक्चर को थोड़ी थोड़ी करके आपको एडजस्ट करना होगा आगे पीछे करके, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि सूरज थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, अभी इस प्रकार से हम इसको खींचेंगे और ये अंदर की ओर जाएगी। तो आपको करना क्या होगा कि आप इस शेप को थोड़ा सा नीचे लाइएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आप नीचे लाइएगा और इसके बाद फिर से छोड़िएगा, ठीक है, फिर से इस प्रकार से नीचे लाइएगा थोड़ा सा कम ज़्यादा करके इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीकों से शेप आगे पीछे आपको इस तरीकों से करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एमएस वर्ड में ना अरेंजमेंट करना पड़ता। तो देखिए इस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट हो चुका है, अब इसमें हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
अगर हम ज्यादा अच्छे अक्षर करेंगे तो फिर हमारा समय ज्यादा लग जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक सेल को इस प्रकार से कवर पेज में क्लियर कर लिया। अब आगे करना क्या है कि यहाँ पर भी हम एक चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रीन कलर का नीचे में देना चाहते हैं, कुछ गार्डन वगैरह। तो यहाँ पर हम जाते हैं शेप में जाते हैं इस प्रकार से हमने, और इस तरीकों से हमने एक रेक्टेंगल इस प्रकार से फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से प्लस पॉइंट की मदद से ही आपको ड्रॉ करने हैं। हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। अब फॉर्मेट टैब खुली, फॉर्मेट में शेप फील्ड में आपको जाना है ग्रेडियंट फील्ड पे। अब ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको आना है मोर ग्रेडियंट पे। इसके बाद आपको मिलता है टू कलर्स, टू कलर्स में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको ले लेना है कुछ कलर्स, जैसे कि हम दे देते हैं ग्रीन और कुछ व्हाइट का ना मिश्रण कर देते हैं, ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, व्हाइट 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 इस प्रकार की कलर आ जाएगी। हमने ओके पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो हमारे बॉर्डर से बॉर्डर को हटा देते हैं नो आउटलाइन करके। तो कॉल से बहुत ज्यादा परेशानी हो झेलनी पड़ रही, चलिए कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं सेंड टू बैक, और इसे हम पीछे भेज लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारा ये जो कलर है ये हमारा इस प्रकार से मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये कवर पेज की तरह मैच हो गया। अब यहाँ पर जो नीचे का जो शेप है यहाँ पर भी हम उसी तरह से स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो एक दिखा भी देते हैं कॉपी में। तो देखिए इस प्रकार से आपका क्लासमेट का जो कॉपी है बच्चों, इस प्रकार से देखिए देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और बीच में जो है आप इस प्रकार से ड्रॉइंग्स वगैरह देख रहे हैं। तो छोटा वाला कॉपी में कुछ इस प्रकार से आता था, तो जिसे हम अब नीचे कर बनाएंगे और ऊपर में भी कुछ शेप को इस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीकों से कुछ ग्रीन दे दिया। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर ले लेते हैं, और ये फ्री फ्रॉम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम फ्री फ्रॉम पे क्लिक करते हैं। चले इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर जाते हैं इस प्रकार से, और एक बार यहाँ से हम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरफ से ले लेते हैं, क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर हमको आना है, नीचे आना है, इसके बाद यहाँ पर आना है, और बस आपको मिला देना है। लास्ट में आपको यहाँ पे जहाँ से शुरुआत की क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको हमने कलर देना है, तो यहाँ पर भी हमने ये जो कलर लिया था ये येलो वाला, हमने यहाँ येलो ले लिया। आउटलाइन को हमको नो आउटलाइन करना, लेकिन तब जब हम इसको पहले शेप दे लेते हैं। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर इस कॉर्नर पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पहले इस पे एडिट पॉइंट पर जाना है। इसके बाद हमको इसमें जो डिजाइन हमने जो कॉपी में देखा था इस प्रकार से जो नीचे की ओर है, राइट में ऊपर की ओर ले जाना होगा। ठीक है, तो अब राइट में ऊपर करना है, तो इसके लिए हम करते हैं कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे कोना पर आते हैं, राइट क्लिक करके हम कर लेते हैं एक एड पॉइंट आपको करना होगा। राइट क्लिक करके पहले हम एडिट पॉइंट पे चलते हैं, एडिट पॉइंट, इसके बाद कोना पर आते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का सिंबल आएगी, अभी आ नहीं रही है, थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से हम दिखा देते हैं। देखिए इस पर राइट क्लिक करना है, तब आपको आएगी कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट आएगी, कोना आएगी। अब यहां पर देखते हैं, अगर आप नहीं आएगी तो आप इसको करेंगे क्या कि इसको आप थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है बड़े करने से। देखिए फिर से हम इसको राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं, अगर हटता है तो कंट्रोल जेड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वहां पे कोना पर अगर दिक्कत होगा तो आप बीच में भी राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐड पॉइंट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चल जाते हैं। ये यहाँ से हो क्या रहा है कि यहाँ पर से ना ये गायब हो जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करके हम इसको करते हैं, और इसको रखते हैं पहले ब्रिंग टू फ्रंट रख लेते हैं ताकि ये ऊपर में रहे। राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट, और फिर से हमने राइट क्लिक किया, अब कर लेते हैं कर्व सेगमेंट। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर्व किया। अब जहां से इधर से भी कर्व करना है तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं, कोना से ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर हमको करना क्या है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करना है। देखिए कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक हैंडल बन जाती है जो कि गायब हो जा रही थी। अब यहाँ से जैसे हम इसको इस प्रकार से उठाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको उठाना है, इस प्रकार से आपको एक शेप बन जाएगी ऐसा। तो इस प्रकार से हमने लिया, और इस हैंडल पॉइंट की मदद से आप इसको अगर ऊपर की ओर उठाना चाहें तो बारीकी से बच्चों यहाँ पे पॉइंट हैंडल पर क्लिक करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं आपका हो पाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके अगर कोई भी दिक्कत हो तो कंट्रोल जेड आप यहाँ पे कर सकते हैं।
अब देखिए हमने इस प्रकार से इसको अरेंजमेंट नीचे की ओर कर देना, ठीक है। एक बार दो बार आप ट्राई करेंगे, आपको परफेक्टली सारे चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा और इसको ऊपर उठाना है, तो इस प्रकार से क्लिक करके ना आप इसको इस तरीके से ऊपर भी उठा सकते हैं, ठीक है। चले अगर इसको थोड़ा बहुत उठाना है तो इसको पकड़ करके भी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर बन जाएगी, इस प्रकार से आपको बन जाएगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपको बन जाएगी, दिख रही हो तो ठीक है। अब इसको हमको रिपीट देना है यहाँ पे कलर, तो हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, एक बार सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, तो यहाँ पे देखिए डबल आ गया। अब इसकी जो कलर है, इसका जो कलर है यहाँ से ले लेते हैं ए वाला कलर, ठीक है, ए वाला कलर हमने ले लिया। और इसको एक पीछे भेजना है, एक पीछे भेजते हैं, तो करते हैं यहाँ पर हम सेंड बैकवर्ड, तो ए बैकवर्ड किए तो इसके एक पीछे यहाँ पर चला गया। अब धीरे धीरे करके जो है हम इसको ऊपर की ओर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की मदद से, कभी कभी माउस में प्रॉब्लम होता है तो कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की मदद से जो है आप इसको इस प्रकार से लाएं, ठीक है। और आउटलाइन जो दोनों का है, आउटलाइन को करें नो आउटलाइन, और ऊपर में जो है इसकी भी आउटलाइन को करें बिल्कुल नो आउटलाइन, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आउटलाइन को कर दिया। अब यहाँ पर लिखना है हमें नोटबुक, तो नोटबुक कैसे लिखना है इसके लिए इंसर्ट में चलते हैं, आप यहाँ पर लीजिएगा वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट आपका काम नहीं कर पा रहा तो फिर से बाहर में क्लिक कर लेना इस तरफ से और करना वर्ड आर्ट पे क्लिक और यहाँ लिखना वर्ड आर्ट। हमने यहाँ पर लिख दिया नोटबुक, नोटबुक हमने इस प्रकार से लिखा और इसका साइज को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं और ओके हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको कहीं और भी देखिए यहाँ पर आप आपके केस में क्या होगा कि आपको जाना होगा कुछ नहीं करेगा टेक्स्ट टाइपिंग में जाके करेना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा तो आपके ऊपर में आ जाएगी, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ तो आप वीडियो में लगे बने रहे और कमेंट कीजिए, हम आपको बताते रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने ले लिया नोटबुक, इस प्रकार से ऊपरी हिस्सा में हमने ले लिया नोटबुक, ठीक है ना, नोटबुक हमने क्लिक कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि पीछे की ओर ब्लैक ज्यादा हो जाता है तो एक और हमने कॉपी करना और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। इसके बाद देखिए कि एक आप इसको ना और पीछे भेज सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसी के ऊपर जो है रिपीट कर देना, पीछे वाला को जो है हम इसको पीछे में कर देते हैं, इसकी कलर कर लेते हैं ब्लैक, देखिए इसको ब्लैक कर लेते हैं और ऊपर वाला कलर को व्हाइट करके और इसी के ऊपर जो है आराम से कंट्रोल कर्सर कंट्रोल की मदद से जो है जो कीबोर्ड में आपका होता है इस प्रकार से अरेंज कर लें। देखिए तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, हल्का सा आगे पीछे कर लेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने दिखेगी, लगेगा कि जैसे इस प्रकार लिखा। अगर थोड़ा बहुत छोटा करना है तो आप इसको दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्का छोटा करें और ऊपर वाला को भी हल्का छोटा करें। ये देखिए नोटबुक लिखा कर आ गया। बीच में हमको कोई और भी शेप देना है तो देखिए यहाँ पर हम एक और भी शेप दे देते हैं। इसके लिए इंसर्ट में हमको क्लिप आर्ट में जाना होगा, क्लिप आर्ट में एक बॉक्स खुलेगी, इस बॉक्स में हमको क्लिप आर्ट में सर्च करना रैबिट, हम यहाँ पर ले लेते हैं रैबिट, ठीक है, हमने वो पे क्लिक कर दिया, रैबिट हमने क्लिक किया। देखिए हम जो भी चीजें ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे ऊपर आ रही है हमारे और इससे हमको क्या हो रहा है कि बहुत ही आसान हो जा रहा काम। अगर आपको कभी कभी दिक्कत होती है तो आप इसको जरूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको बता देंगे ऐसा क्यों है। हमने खरगोश लिया कंट्रोल के साथ, अब क्लिक करके हम बहुत सारा खरगोश ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारा खरगोश को ले लेते हैं। चलो इस प्रकार से आराम से आप इसको बैठा दें और थोड़ा बहुत हम घास अगर देना चाहें, ठीक है, अब अगर हम घास देना चाहें तो यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से गो पे क्लिक करेंगे तो नीचे में कुछ मिल जाएगा स्टार्ट टाइप का, देखिए इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ये घास आ गई। अब इसको उठाकर हम नीचे रख देते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं, लाइन पे क्लिक करिएगा पॉइंटर पे, इस तरह से छोटा कर लेना है और कंट्रोल दबाते हुए आप इसको बहुत सारा ले लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया ऐसे। अरे कादर को हम इस तरीके से भी डाल दिए।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर एक कवर पेज आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कवर पेज बनाना चाहें तो आप हमारे साथ बने रहें और एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट देखें, आपको बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी परफेक्टली। तो आज के लिए बस इतना ही, कहीं भी कोई दिक्कत हो सीधे कमेंट कीजिए।